तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी इमरस आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या आप लोग अपनी अल हसन ऐप का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह से आप लोग अपनी इमरस आईडी का मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपका फाइल नंबर क्या होता है, जिस तरह आपने थंबनेल देखा है कि आपका फाइल नंबर क्या है, ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस क्या लिखना होता है, उसके बाद जो लोग विजिट वीजा पे हैं उनका फाइल नंबर क्या होता है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है। अपनी हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखा करो। आप लोग थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन आपको समझ नहीं लगती, तो वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो बंदे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये सारा काम जो है मैं आपको अपने लैपटॉप में करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अपनी इमरस आईडी का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी 52 दिरहम जो है फीस है, आईसीए की फीस है, ठीक है, आपको जो ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिससे आप लोग जो है ऑनलाइन पे करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, किस डेट में आप जो है यूएई के अंदर इंटर हुए थे वो डेट आपको चाहिए, उसके बाद आपको फाइल नंबर चाहिए, उसके बाद एक ईमेल और एक आपका नया मोबाइल नंबर, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो स्टेप आगे बताऊंगा वो फॉलो करने हैं, आपकी इमरस आईडी का मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, चेक करते हैं किस तरह से हम लोग अपनी इमरस आईडी का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो आपने करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक उसमें ऑप्शन नजर आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। बाकी जो काम है वो बिल्कुल सेम है, इसी जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है आईसीए स्मार्ट सर्विस की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आईसीए स्मार्ट सर्विस, इसके ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उनको उनके बारे में बताऊंगा जिनका तो है विजिट वीजा। विजिट वीजा वाले बंदे जो है वो कैसे अपना फाइल नंबर निकाल सकते हैं, आपने सिंपल सा करना क्या है, आपने यहाँ पर पब्लिक में जाना है। पब्लिक में जाने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पर फाइल इसका ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है, फाइल वैलिडिटी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी। यहाँ पर सिंपल सा आपने करना क्या, सर्च बाई, यहाँ पर आपने कर देना है सिंपल सा पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे अगर आपने क्या करना है, यहाँ पर वीजा के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि आपका विजिट वीजा है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर पासपोर्ट का जो नंबर होता है वो लिखना है। पासपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपका पासपोर्ट किस डेट को एक्सपायर हो रहा है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और नेशनलिटी लिखकर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको फाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना फाइल नंबर, यहाँ पर अनफिल्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर, उसको आप छोड़ दें, सिर्फ आपको यहाँ पर आपका फाइल नंबर मिल जाएगा। आपने यहाँ से अपना फाइल नंबर ले लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है फ्रेंड्स, सिंपल सा आपने करना क्या है, आपने दोबारा से यहाँ पे आईसीए की जो है एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक सर्विस के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने करना क्या है, नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने यहाँ पर स्टार्ट सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म सा ओपन हो जाता है, ठीक है। ये इस फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स वगैरह दे देनी है। यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पर बताता हूँ, करंट नेशनलिटी जो है वो आपने यहाँ पर दे देनी है, आपकी कौन सी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखें फाइल टाइप, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, रेजिडेंस लिख लेना है। अगर आपका विजिट वीजा है तो आपने फिर वीजा लिख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इमरस आईडी है तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी इमरस आईडी है तो आप उसका नंबर चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी अल हसन ऐप का नंबर चेंज करना चाहते हैं विजिट वीजे पे, तो फिर आप यहाँ पर वीजा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक तो आप अपना फाइल नंबर दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इमरस आईडी के नंबर से भी
कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी वीजा कॉपी नहीं है, ये फाइल नंबर जो है आपको वीजा कॉपी के ऊपर मिल जाता है, वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी का नंबर लिख लेना, जो भी आपकी ईमेल आईडी का नंबर है, उसके बाद पासवर्ड नंबर है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिख लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नाम में आपने एक भी गलती नहीं करनी, एक भी वर्ड की गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर आपके नाम में एक भी गलती होगी, ठीक है, आपके नाम में मिसाल के तौर पर आपका, मेरा नाम अब्दुल रऊफ मोहम्मद इलियास है, तो अगर आपका इस तरह से मैं लिख लेता हूँ सिर्फ अब्दुल रऊफ, तो यहाँ पर ये डेटा कलेक्ट नहीं करेगा। जितना आपका नाम होगा वही नाम आपने लिख लेना है जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर होगा। लिखने के बाद आपने यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करना है, आपका अरबी में खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख लेनी है, जिस डेट में आप पैदा हुए थे वो डेट आपने यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने किस डेट को आपने यूएई के अंदर इंटर हुए थे पहली बार, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। जी आपको अपने आपके अगर आपको याद नहीं है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ही आपको ये मिल जाएगी कि किस डेट को आप लोग जो है इंटर हुए थे यूएई के अंदर, वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये डेट गलत ना हो, बिल्कुल सही डेट होनी चाहिए। उसके बाद लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिख लेना है। मैं अपने यहाँ पर ईमेल लिख लेता हूँ। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर अब तो मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड नंबर और फाइल नंबर नहीं दिया, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना फाइल नंबर पासवर्ड और आईडी नंबर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सब कुछ इंटर कर दिया, अपना फाइल नंबर आईडी पासवर्ड फुल डिटेल मैंने जो है यहाँ पर इंटर कर दी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एडिट मोबाइल नंबर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो मेरा पहला मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें न्यू मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर अपना न्यू मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो मैं जल्दी से अपना न्यू मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सेंड वन टाइम पासवर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर के ऊपर यहाँ पर भेज सकते हैं सेंड पासवर्ड, मोबाइल नंबर के ऊपर एक पासवर्ड भेजेंगे ओटीपी, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात भी बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर की प्रॉब्लम होती है तो जो है ओटीपी नहीं आता। तो अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है, आपने दोबारा 1-2 घंटे के बाद दोबारा ट्राई करनी है। तो मेरा यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी लिखता हूँ। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, चेक ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी वैलिड सक्सेसफुली। ये हमारा स्टेप कम्प्लीट हो गया। उसके बाद नीचे जी आ जाता है एड्रेस, यहाँ पर अगर तो आप लोग एड्रेस जो है यहाँ पर लिखना चाहते हैं, करंट जो आपका एड्रेस है यूएई के अंदर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो सिंपल सा आपने करना कि आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड इन ड्राफ्ट्स। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपकी पूरी डिटेल जितनी भी आपने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रिव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपने सिंपल सा यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 51.40 दिरहम पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद या आधे घंटे में, कभी कभी 10 मिनट में, कभी कभी 5 मिनट में आपको उनका रिप्लाई आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रूव हो चुकी है। तो सिंपल सा आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने आई एम आई एग्री दिस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना अपने कोई कार्ड है जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है, बैंक कार्ड है, जो भी आपने वो लिखकर उसका कार्ड नंबर का लिखकर सब कुछ लिखकर आपने जो है इसको पे कर देना है। पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है एक डाउनलोड कॉपी मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको जो है जी डाउनलोड कॉपी मिलेगी, उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा जब आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, उम्मीद करूंगा आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं लगी, आपको भाई की हेल्प चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।